नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार तैयार हो गई है। एमएसपी जारी रखने और कूट जाने के लिए किसानों को लिखित गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही अब मंडी कानून में भी बदलाव किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं का मंथन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर 14 दिनों से किसान डटे हुए हैं। देर शाम या फिर कल तक सरकार को प्रस्ताव का जवाब दिया जाएगा। बैठक में आगे की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। टीकरी, चिल्लौर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा लगा हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है। सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिन पर किसान अड़े हुए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव तैयार किया। बिंदुवार प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोहर लगाई, जिसके बाद प्रस्ताव किसानों को भेजा गया। सरकार के प्रस्ताव में 6 बड़ी बातें शामिल की गई हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकार एमएसपी को जारी रखेगी, मंडी कानून एपीएमसी में भी बदलाव होगा। प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उन पर टैक्स लगाने की मंजूरी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी प्रस्ताव में जिक्र किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब किसानों को कूट जाने का अधिकार भी सरकार देगी। अलग फास्ट ट्रैक कूट के गठन को मंजूरी मिलेगी। इससे पहले केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की बातचीत हुई। ये बातचीत करीब 2 घंटे चली। बैठक में मौजूद किसान नेताओं के अनुसार पूसा इंस्टीट्यूट में हुई बैठक में सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी बात रखी, उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बातों को रखा। सरकार ने कुछ बिंदुओं पर कानून में संशोधन करने पर रजामंदी दिखाई है। सरकार ने लगातार इस पर जोर दिया कि कानून में जो संशोधन चाहिए वो किए जा सकते हैं। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि अगर कानून में संशोधन होता है तो उसकी रूपरेखा बदल जाएगी। ये स्टेक होल्डर को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। कानून को रद्द करने के अलावा कोई उपाय नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में रिफॉर्म का मतलब चोरी होती है, इसलिए इन्हें लोकतंत्र से छुटकारा चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट पर लिखा है कि आंदोलन की आड़ में विपक्षी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सस्ती राजनीति कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 14वां दिन, टीकरी, चिल्लौ और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने डेरा डाला हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने आगामी रणनीति के लिए बैठक की। बैठक में सभी आला किसान नेता मौजूद रहे। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सिरसा से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला टीकरी बॉर्डर के लिए हुए रवाना। अभय किसानों को समर्थन देने कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के काफिले के साथ भावदीन टोल प्लाजा से रवाना हुए। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के आंदोलन को कोई कुचल नहीं सकता। सरकार बार बार बातचीत के बहाने से आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। वहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हुड्डा ऐसे बयान देते हैं। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी। नेशनल हाईवे के जाम का असर केजीपी और केएमपी पर भी देखने को मिल रहा है। लोकल रूट्स पर भी जाम जैसे हालात बने हुए हैं। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुद्धिकरण लगातार जारी है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसी भी सूरत में विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि चेकिंग अभियान के लिए वो सड़कों पर रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा शुद्धिकरण की जरूरत होती है तो एक बार फिर से अधिकारियों का शुद्धिकरण होगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनके पास ईमानदार अधिकारियों की लंबी लिस्ट है। अभी अधिकारियों को विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। कैथल में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पिहोवा चौक को जाम कर दिया। युवक पर ठेकेदार ने हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। शिव कॉलोनी में कुछ रोज पहले 3 युवकों की ठेकेदार ने पिटाई कर दी थी, जिसमें एक युवक की 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। एक युवक अभी भी लापता।
तीनों युवक गांव खुदेपुर के तालाब से मछलियां पकड़ने गए थे। तालाब को ठेकेदार ने ठेके पर लिया था। ठेकेदार ने युवकों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, पिटाई कर दी। टोहाना के किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसानों को अब एनओसी नहीं लेनी होगी। मंत्रालय ने संबंधित विभागों को नोटिफिकेशन जारी किया। किसानों ने सरकार का आभार जताया। पिछले 7 साल से किसान एनओसी के लिए परेशान थे। टोहाना और फतेहाबाद जिले को डार्क जोन बनाया गया था, इसके चलते किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एनओसी लेना पड़ता था। कई गांव के किसानों ने पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से समस्या के बारे में बताया। बराला ने सीएम और केंद्रीय जल मंत्री से मुलाकात की, किसानों की समस्याओं को रोका। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने अल बदर के 3 आतंकियों को ढेर किया। इस दौरान एक नागरिक के घायल होने की खबर है। जानकारी मिल रही है कि गांव में दहशतगर्द छिपे हुए थे, जिसके बाद जवानों ने कार्रवाई की। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वो अल बदर मुजाहिदीन आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के पट्टन के सिंहपोरा इलाके के मुख्य बाजार में आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में हंदवाड़ा की महिला समेत 6 नागरिक भी जख्मी हुए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। घायलों को पट्टन ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद एसएमएचएस हॉस्पिटल भेजा गया। हमलावरों की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया। मामले में कोर्ट ने कहा कि पोस्टर सिर्फ तभी लगाए जा सकते हैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने इसके आदेश दिए। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला कोरोना से संक्रमित लोगों के घरों के बाहर पोस्टर नहीं चिपकाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दरमियान सुनाया। भवानीखेड़ा में बिजली विभाग ने आधार अधिनियम 2016 के तहत बिजली कनेक्शन में बदलाव करते हुए अब आधार कार्ड का लिंक अनिवार्य किया है। बिजली सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड अपने बिजली कनेक्शन के साथ जोड़ना होगा, जिसके बाद ही बिजली उपभोक्ता अब बिजली सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग ने अपना वेबसाइट लिंक भी जारी कर दिया, जिसकी मदद से बिजली उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए अपना आधार कार्ड वहां से भी अपने बिजली कनेक्शन के साथ जुड़वा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बदले हुए बिजली के नियमों की जागरूकता के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ग्रामीणों को इस बदले हुए नियमों से अवगत कराएं। निवाड़ी में लंबे वक्त से बंद पड़े स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन सड़कों पर उतरे। निजी स्कूल एसोसिएशन ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान संगठनों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, किसान संगठनों की ओर से सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। चर्चा चल रही थी, दरअसल सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें जो भी आपत्तियां किसानों की थी उसको दूर करने की कोशिश की गई, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अदालत की बात कही गई हो, सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई थी, लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं और किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दीपक शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपक, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर ये है कि जो प्रस्ताव सरकार के द्वारा किसानों को भेजा गया उस पे सहमति किसान संगठनों की नहीं बनी। जी बिल्कुल, जो प्रस्ताव भेजा गया था 19 पेज का ये प्रस्ताव सरकार के द्वारा किसान संगठनों को भेजा गया था। खुद कृषि मंत्रालय के अधिकारी वो प्रस्ताव लेकर के यहाँ आए थे, जिससे पहले कृषि विभाग ने बनाया, नरेंद्र सिंह तोमर से उस पर विचार किया गया, फिर अमित शाह से चर्चा की गई थी और उसके बाद ये प्रस्ताव यहाँ भेजा गया था, जिसमें अंत पेज पे ये भी लिखा था कि सरकार के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई थी कि अब इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इस धरने को शांत किया जाए, इसको लेकर के एक रिक्वेस्ट भी की गई थी। लेकिन जो बैठक हुई है संगठनों की, उनका कहना है कि इस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है, क्योंकि तीनों कानून रद्द हो ये सीधी सी मांग यही है। इनका कहना है कि एमएसपी की गारंटी की तो बात है, लेकिन एमएसपी से नीचे बेचने वाले को क्या सजा होगी, किस तरीके से उनके ऊपर सख्ताई की जाएगी, ऐसी कोई भी मुद्दा इसके अंदर सरकार ने स्पष्ट नहीं करा। इनका कहना है इसलिए फिलहाल ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जो है जारी रखेंगे, हालांकि आगामी रणनीति चर्चा को लेकर इनका कहना है कि चर्चाएं बहुत हुई, सरकार जब तक कानून रद्द करने की बात नहीं करती तो कैसे चर्चाएं की जाए। चर्चाओं से इनका कहना है कि अब इन्हें उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी फिर भी बैठक चल रही है।
5 बजे आपसे कुछ देर के बाद एक प्रेस वार्ता भी करेंगे और आगे के लिए किस तरीके से आप सरकार के आगे बात रख दूंगा कहना है कि उसी के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन कम से कम इस प्रस्ताव को उनका कहना है आज तमाम संगठनों के द्वारा मांगने से उनका कहना है प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया गया, ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर के दीपक यादव आप मुझे ये समझाइए कि अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इससे कम पर मानने को तैयार नहीं है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। सरकार ये कह रही है कि हम रद्द नहीं करेंगे लेकिन संशोधन के लिए दरवाजे खोले हुए, और सरकार ने ये बात कहा है प्रस्ताव में भी कि आगे भी अगर जो भी उचित रहेगा हम वो करेंगे, संशोधन करेंगे। अब आगे से ये पूरा जो संग्राम इस पर छिड़ा हुआ है वो आपको किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे आंदोलन की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं संविधान ये जो तमाम जो अगर बात है एक स्वाभिमान की लड़ाई भी नजर आ रही है। एक तरफ सरकार जो तमाम संशोधन की बात तो कर रही है लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार जो है कानून को रद्द करने से इनकार कर रही है, तमाम संशोधन की बात कर रही है। दूसरी तरफ इनका तमाम जो किसान संगठन को सरकार की तरफ से संशोधन की बात तो कही कि जो इन्होंने आपत्तियां जताई लेकिन कानून पूरी तरीके से रद्द करने की मांग इनकी है, वो उनका कहना है कि इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। किसान संगठन उस कानून को रद्द करवाना चाहते हैं और सरकार उसमें संशोधन को तैयार है, ये कहीं ना कहीं स्वाभिमान की बात और कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है। हालांकि किसान अपनी अभी भी बातों को लेकर अड़िग हैं, कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे, आगामी रणनीति लेंगे, कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा किसानों का, उनका कहना है कि लगातार संख्या बढ़ रही है और ऐसे में किसान संगठन इतना भी जान चुके हैं कि सरकार पूरे दबाव में है और ऐसे में इनको इस कानून को रद्द करवाने के लिए कुछ और शायद संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए तमाम संगठन जो है प्रयासरत है और बैठकें लगातार चल रही है, बैक टू बैक एक बैठक उसके बाद दूसरी बैठक, लगातार अलग अलग प्रतिनिधियों की बैठकें हो रही हैं, 45 के करीब संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे में अलग अलग चर्चाएं की जा रही है, कभी 45 संगठन एक साथ और उसके बाद अब 13 संगठन जो है जो प्रमुख संगठन है राष्ट्रीय स्तर के वो आपसी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी और देर की बात 5 बजे प्रेस वार्ता करके आगामी रणनीति रखेंगे। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है दीपक, अब आगे क्या कुछ होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही जाती है नेताओं के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते खबरें फटाफट अंदाज में। एसोसिएशन की मांग है कि 10 दिसंबर के बाद स्कूल बंद रखने का कोई फैसला ना लिया जाए और तुरंत प्रभाव से सभी निजी स्कूल्स को खोलने की अनुमति दी जाए। गुरुग्राम के सदर बाजार में जैन मंदिर में मानव आवाज संस्था ने 2 नेत्रहीन जोड़ों की शादी करवाई है। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी नेता नवीन गोयल ने हिस्सा लिया। दोनों को आशीर्वाद देने के लिए संस्था के तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। नवीन गोयल ने इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यकर्ताओं से समाज में सकारात्मक सोच पड़ती है। नू में प्रशासन ने लोगों के लिए 4 शहरों में रैन बसेरे का इंतजाम किया है। जिला अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि फिरोजपुर, झिड़का, पुन्हाना, नू और तावड़ू में 4 रैन बसेरे शुरू कर दिए गए। एडीसी ने बताया कि रैन बसेरे में गरीबों के रुकने के लिए रजाई कंबल, पीने के लिए पानी, शौचालय का बेहतर इंतजाम किया गया है। रैन बसेरे में रुकने वाले मुसाफिरों को किसी भी तरह की समस्या ना आए इसके लिए रेडक्रॉस समिति की देखरेख में अभियान शुरू किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने मौके पर जाकर मुआयना किया तो रैन बसेरों में किए गए इंतजाम से वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। अंबाला में मौसम की पहली धुंध देखने को मिली जिससे सुबह की सैर करने वाले लोगों के चेहरे खिल गए। मौसम के इस पहली धुंध का लोगों ने लुत्फ उठाया। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, कोहरे की चादर के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। कैथल के पिहोवा चौक पर गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों की माने तो ठेकेदार के तालाब पर कुछ युवक मछली मार रहे थे जिसके बाद ठेकेदार ने उनके साथी को पीट दिया। टोहाना राजनगर के एक डेंटल क्लिनिक पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने छापेमारी की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस भी मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के साथ मौजूद रहे। डेंटल क्लिनिक पर विनोद मेहता ने न मिलने पर पुलिस ने उसके हेल्पर की मौजूदगी में क्लिनिक को सील किया। इस बारे में जिला ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर रजनीश ने बताया कि डॉक्टर विनोद के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उनके पास फर्जी डिग्री है जिसके चलते कार्रवाई हुई। टोहाना CIA पुलिस ने 2 नशा तस्करों को काबू किया। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में अफीम भी बरामद की। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ NTPC एक्ट के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक टोहाना तो दूसरा पंजाब का बताया जा रहा है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान नशा तस्करों के सप्लायर के बारे में पूछताछ होगी। DSP विरम सिंह ने बताया कि गश्त के
दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को देखा। पुलिस को देखकर आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू किया। करनाल के आवर्धन नहर में नवजात बच्चा मिला है। पुलिस ने नहर से शव बरामद किया, कल्पना मेडिकल कॉलेज भेज दिया। जानकारी मिल रही है कि नहर के आसपास घूमने वालों ने पुलिस को असूचित किया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद के गांव धोलू में खेत में रखी पराली की गांठों में आग लग गई, देखते देखते आग फैल गई और 500 एकड़ धान की पराली को जलाकर राख कर दिया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में रबड़ की फैक्ट्री में स्क्रैप में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। झज्जर के गुढ़ा बाईपास के पास एक कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो डिवाइडर से जा टकराई, हादसे में एक युवक की मौत, चार लोग घायल। कैथल में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने कब्जे से 5 अवैध पिस्टल 51 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने जिन बदमाशों को पकड़ा है उन पर 302 307 सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, पहले कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 4 लोग कैथल के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति पंजाब के पटियाला का रहने वाला। रेवाड़ी में नाबालिग युवती ने अपनी मां के साथ साजिश के तहत बड़ी शातिराना अंदाज में पड़ोसी के घर से लाखों रुपए के जेवरात नकदी चोरी कर लिए, शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रतिपक्ष का ये कहना है कि पहले पास में रहने वाली महिला अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ उसके घर आई और फिर युवती किसी बहाने से उनके घर आई, जिसके बाद जेवरात और नकदी गायब मिले। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार ने तीनों कानून खारिज नहीं किए तो देश के किसान हरियाणा के चंडीगढ़ की गद्दी से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। सुरजेवाला ने कहा कि किसान रुकने वाले नहीं है, किसान अब जाग गया है, अपनी मांगों को लेकर अब किसान अपने हक के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान इतनी ठंड में बैठा हुआ है फिर भी सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तब हमने किसानों को हर फसल का अच्छा मूल्य दिया है, लेकिन बीजेपी ने 3 नए कानून बनाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इस भारत बंद के दौरान पूरे देश के किसानों ने एकता दिखाई, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो किसानों की मांगों को मानते हुए उनसे बातचीत करे, तीनों संशोधनों को खारिज करे। उन्होंने कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो बिना किसी देरी के किसानों से बातचीत करता, अपनी गलतियों को मानते हुए तीनों संशोधनों को तुरंत हटा देता। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को मंडी सिस्टम को जारी रखना चाहिए था बजाय कि इसे हटाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसानों की जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हुड्डा ने कहा कि इस वक्त किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि मैं किसानों की मांगों का समर्थन करता हूं पर आंदोलन को लीड नहीं कर रहा। हुड्डा ने यह भी कहा कि किसानों का भारत बंद का आह्वान सफल रहा है, हमारे पास रिपोर्ट है। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा का विशेष और आपातकाल सत्र बुलाने की मांग करते हैं, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री किसानों के आंदोलन में कभी चीन और कभी पाकिस्तान का हाथ बताते हैं तो कभी SYL के नाम पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश होती है। किरण चौधरी ने कहा कि SYL का फैसला बहुत पहले आ चुका है, 6 साल से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, SYL का पानी लेकर आना चाहिए था। नरवाना में कॉलेज की 2 छात्राओं सहित 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद आंकड़ा 22 जा पहुंचा है। छात्राओं के अलावा मॉडल टाउन की 24 वर्षीय युवती और कृष्णा गली का 20 वर्षीय युवक संक्रमित मिला। प्रदेश में कोरोना के 1391 नए मामले आए सामने, 13 मरीजों की मौत, 1557 लोग इलाज के बाद हुए ठीक, कुल आंकड़ा 2,46,000 के पार। देश में 24 घंटे में 32,061 नए मामले आए सामने, 402 मरीजों की मौत, 97,35,000 से ज्यादा टोटल केस, 3,77,000 से ज्यादा केस पॉजिटिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 3,188 नए मामले, 57 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 53 मरीजों की मौत, कुल मौतों का आंकड़ा 47,837, अब भी 73,374 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,236 नए मामले, अभी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 11,822 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। यूपी में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,776 नए मामले, अब तक 5,28,832 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक, 21,374 केस इस वक्त एक्टिव।
राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 1,604 नए मामले आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,84,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 551 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,72,000 के पार, 5,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6,85,00,000 के पार, अब तक 15,63,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, पूरी दुनिया में 1,95,00,000 के पार कोरोना के केस इस वक्त एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,55,00,000 के पार, अब तक 90,87,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,78,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है, कुल संक्रमितों की संख्या 66,75,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 25,15,000 के पार, अब भी 4,89,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 44,159 मरीजों ने जान गंवाई।